हे गाइस, वेलकम टू गिज़्मोटेक हिंदी। और आज हम करने वाले हैं वन प्लस नाइन आर का पबजी रिव्यू। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको खाली HDR और एक्सट्रीम पे गेम प्ले देखने मिलने वाला है, क्योंकि हुआ क्या, मैंने वो सेटिंग्स पे गेम प्ले खत्म किया एंड उसके बाद पबजी ने इमीडिएटली 1.4 वाली अपडेट पुश कर दी। और वो अपडेट में आपने अगर नहीं पढ़ा एंड अगर आपने नहीं देखा तो काफ़ी सारे लोगों को फ्रेम ड्रॉप्स, लैग्स, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ रहे। तो अपडेट जो नया वाला है 1.4 वाला, वो उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है। तो मैंने उस पर टेस्टिंग नहीं की बिकॉज इट्स नॉट फेयर, क्योंकि मेरे बाकी जो फ़ोन्स हैं Mi 11X एंड जिसके पबजी रिव्यूज़ ROG Phone 5 आपने अभी रिसेंटली देखे हैं, सारी पुरानी अपडेट पे थे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम खाली HDR और एक्सट्रीम पे गेम प्ले रखते हैं। जैसे ही ये बग्स फिक्स हो जाते हैं या फिर हमारा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ जाता है या फिर जब इस फ़ोन पे 90 FPS आ जाएगा तो हम एक और पबजी टेस्ट कर लेंगे। बट टुडे लेट्स जस्ट फोकस ऑन HDR एंड एक्सट्रीम, क्योंकि अगर HDR और एक्सट्रीम पे अगर अच्छा गेम प्ले मिल गया तो आप आग बंद करके स्मूथ और एक्सट्रीम पे तो आसानी से खेल ही सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। जैसे मैंने बताया पहले, यहाँ पे अभी 90 FPS नहीं है, सो यू आर स्टक टू 60 FPS। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा FPS काउंटर चालू है, कोई भी टाइप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चालू है। एंड यहाँ पे हैंड कैम फुटेज है सारी, मैंने फोर फिंगर क्लॉ से खेला है एंड जायरो भी ऑन था मेरा। ऑल्सो बीच बीच में आपको शायद कोई स्क्रीन वाली फुटेज दिखेगी, तो मैंने ये फ़ोन को एलगैटो में कनेक्ट करके वो रिकॉर्ड किया है। फ़ोन पे मैंने कोई भी टाइप की रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो अभी अगर आप गेम प्ले देख सकते हो तो दिस वॉज वेरी वेरी गुड। स्नैपड्रैगन 870 यहाँ पे एकदम मस्त परफॉर्म करता है। जैसा हमने Mi 11X पे देखा था वैसा यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स आपको बिल्कुल देखने नहीं मिलते। HDR और एक्सट्रीम पे भी ये फ़ोन आसानी से 50 से 60 के बीच में FPS होल्ड करता है। अगर आप सैनहॉक बूट कैंप में भी हॉट ड्रॉप करते हो तो ये काफ़ी अच्छी तरह से FPS होल्ड करता है। एंड लाइक आई सेड, आपको 50 के 60 के बीच में ही FPS मिलने वाला है एंड द परफॉर्मेंस इज जस्ट ब्रिलियंट। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कुछ भी कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप गेम प्ले देखिए थोड़ा, फिर हम बाद में बात करते हैं। बंदे बंदे भर भर के बंदे भाई, वो टपकना मत। इधर तो कोई नहीं है। लुक, मेरे पास स्कोप है, देखता हूँ। ये बंदा 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 बंदा, ये मैं लॉक हो रहा है। फोन कहाँ से लिया? रास्ते से लिया, उसको पड़ी थी। हाँ, रास्ते के बारे में बंदा सूरा था मेरे को। पत्थर पे आ जाना, मैं तुझे गाड़ी लेके निकल 1600 मीटर। अभी तो जियो पे, मैं भी जियो पे ही हूँ।
हाँ तब उधर ही बैठता हूँ, हॉल में बैठता हूँ, तो हॉल में राउटर है। रोके रहेगा दिन। वो बोला ना रैंडमली ट्वीट किया, आई एम द डोज मास्टर, बस ऐसे रैंडमली बस कीड़े लॉर्ड किया ना, डोज लॉर्ड के डोज मास्टर ऐसे कुछ किया। ओहो ए इधर इधर ही बाहर ही लग रहा है। अबे दो लोग हैं नेमे तो यार। ये कितने बार मरेगा यार तुम्हें, ध्रुवेश का मस्त लैग हो रहा है मेरा स्पेक्टेड। इधर आ बंद कर दरा सर। सब क्या नहीं नहीं ये लैडर पे या बीच वाले बिल्डिंग में। ओहो वो मेरे को मारा साला। यही तो होगी ना, तुम्हारे टपकेगा लेट से वरुण लेट होते। कैसा ए यार बेरी लिया। Marked a location. टेलीग्राम सब गए सब गए। Weapon.
तो एज यू सो यहाँ पे वन प्लस नाइन आर ने एकदम बढ़िया परफॉर्म किया है पबजी में। कोई भी टाइप के लैग, स्टटर्स या स्लो डाउन आपको देखने नहीं मिलता है। एंड आई फील कि अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीदना है इंडिया में, तो आपका सबसे पहला प्रेफरेंस अगर आईफोन नहीं है तो वन प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि वन प्लस में जो गेमिंग की ऑप्टिमाइजेशन होती है दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड। शाओमी एंड इनफैक्ट आई वुड से एसूस के कंपेरिजन में भी यहाँ पर आपको गेमिंग का ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेटर मिलता है। सो ओवरऑल द परफॉर्मेंस वॉज ग्रेट। खाली अगर मुझे एक कॉन लगा इसका तो ये था कि ये फ़ोन काफ़ी हीट हो जाता है। मैं एक्चुअली बिना एसी के खेल रहा था एंड अभी मुंबई में काफ़ी बेकार गर्मियाँ पड़ रही है एंड मैंने फ़ैन भी ज़्यादा स्पीड में ऑन नहीं रखा था बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो एसी ऑफ था एंड उसके साथ मुझे 45 से 46 डिग्रीज के टेम्परेचर्स देखने मिले थे एंड एट दैट टेम्परेचर द फोन गेट्स अ लिटिल बिट वार्म टू होल्ड। तो अब ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक खेलते हो तो शायद से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली HDR पे मत खेलो अगर आपको ज़्यादा लंबा टाइम खेलना है, तो स्मूथ और एक्सट्रीम पे खेलो, वहाँ पे शायद आपके टेम्परेचर्स 42-43 के आसपास रहेंगे एंड रिकॉर्डिंग तो आप नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एसी ऑन करके भी खेल ही सकते हो, तो उससे भी आपके टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे। बट ओवरऑल आई वुड से द परफॉर्मेंस वॉज ग्रेट। यहाँ पे फोन थ्रॉटल नहीं होता है, हीट जरूर होता है बट इट डजेंट थ्रॉटल और ब्रिंग द परफॉर्मेंस डाउन। पबजी के लिए इट्स वन ऑफ माई डिफॉल्ट रिकमेंडेशन। अगर आपको 40,000 में फोन चाहिए फॉर गेमिंग, डेफिनेटली चेकआउट दी वन प्लस नाइन आर। बैटरी ड्रेन ये फोन पे थोड़ा सा ज्यादा था बिकॉज बैटरीज फोन की उतनी बड़ी नहीं है, 25% के आसपास था ऑन HDR एंड एक्सट्रीम, विच इज एक्सेप्टेबल। आप 3-4 घंटे तक खेल सकते हो ऑन अ सिंगल चार्ज एंड वैसे भी यहाँ पे 65 वॉट की चार्जिंग है तो आप फटाफट इसे चार्ज भी कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये पबजी रिव्यू? आई नो यहाँ पे हमने अलग अलग सेटिंग्स पे इसे नहीं खेला है बट लाइक आई सेड 1.4 अपडेट में अभी थोड़े से बग्स है, तो इट वुडेंट बी फेयर टू टेस्ट एनी ऑफ द फोन्स राइट नाउ। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है मैं और दूसरे फोन्स के आपके लिए पबजी रिव्यू लेके आऊँगा। एंड आई नो कि कॉमेंट्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन IQ7 का होने वाला है, तो अभी एज ऑफ नाउ 12th में हो चुकी है, मेरे पास अभी तक IQ7 नहीं आया है। इट्स इन ट्रांजिट, 3-4 दिन में आना चाहिए, तो उसके बाद आपको वीडियोस मिलेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो 2 बार डिसलाइक कर लेना एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, आपको मस्त क्वालिटी के कंटेंट यहाँ पे देखने मिलने वाला है। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।